सब्जी मंडी में आग। अज्ञात कारणों के चलते सब्जी मंडी की दो दुकानों में लगी आग। 50,000 रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के जलोन नगर क्षेत्र में स्थित छोटी सब्जी मंडी में दो दुकानों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग के बारे में दुकानदार साबरा बेगम ने बताया कि लॉकडाउन में भुखमरी के चलते वह वैसे ही गरीब की हालत से जूझ रही थी। जैसे तैसे उन्होंने दूसरों से कर्ज लेकर दुकान में माल लगाया था, उसमें आग लग गई है। अब दूसरों का पैसा कैसे अदा करेंगी, यह बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। तो वही दूसरे दुकानदार रिजवान ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन उसकी दुकान में रखी 25,000 से 30,000 रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। दोनों दुकानों में लगभग 50,000 रुपए का सामान जलकर राख हो जाने की संभावना है। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से समय रहते आग पर काबू पाया गया। जलोन यूपी से हरि मोहन याग्निक की रिपोर्ट। नाम है आपके? साबरा। ये आग कैसे लगी, क्या हुआ, क्या बताओ? हम लोग पता नहीं, यही हम लोग सो रहे थे, सो पता चला था, फिर आए हम लोग। अच्छा, वैसे तैसे थे लॉकडाउन के, हम लोग पैसा दे लेते हैं खान पीन के परेशान, और जैसे तैसे दूसरों से पैसा मांगा उधार पुधार लगाई तो अच्छी हो गया। हम लोग कहाँ से पैसा चुकाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, परेशान। कम से कम तो आलू है, प्याज है, हम तो सीधे करके किसी से पैसा मांगा लिया दिया तो कर लगाई तो अच्छी होगी, हम लोग कहाँ से चुकाएंगे बताओ। भैया आपका? रिजवान। आपकी दुकान में आग लगी, कैसे आग लगी होगी और लगभग कितना नुकसान हुआ? 30-35 हज़ार का। 30-35 हज़ार लगा आपका नुकसान हुआ। कुछ बता सकते हैं कैसे आग लगी होगी, किस कारण? जाने का इन रात में आया, मैंने कहा 12 बजे टाइम पे। जी।